ये कैंपेन चलाने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर संविधान को खत्म करके वन व्यवस्था के हिसाब से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और देश में तानाशाह की सरकार इस देश में है, तो सेवा दल के लोग आज सड़कों पर नजर आते हैं। जो बहुजन हमारा समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो 85% है इस देश के अंदर, जो इस देश का मूल निवासी है, जो बहुसंख्यक है, उसको आप मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। जिस परिवार में और जिस समाज में और जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, उनका सम्मान होता है, वो परिवार, वो संगठन, वो समाज और वो देश तरक्की करता है। भविष्य में इसी तरीके से एकजुट होकर इन मनोवादी ताकतों को कमजोर ही नहीं करना, इस देश से खत्म भी करना है। संविधान रक्षक बनिए, अपने साथियों को बनाइए। संविधान रक्षक बनने की क्यों आवश्यकता है, इसको भी समझने की जरूरत है। ये कैंपेन चलाने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर संविधान को खत्म करके वन व्यवस्था के हिसाब से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और देश में अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पर सर्वधर्म संभाव की बात होती है। गांधी जी का भी यही नारा था, कांग्रेस पार्टी का भी यही नारा है कि हर धर्म को, हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर भाषा को बराबर का सम्मान मिले, इज्जत मिले, उनको स्थान मिले। लेकिन आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करके जो हमारी पहचान खत्म करना चाहते हैं, हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, हमारी आजादी को छीनना चाहते हैं, तो संविधान रक्षक के रूप में ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यहां पे एक साथी ने बताया कि जो सफेद पोशाक है सेवा दल की, आपने क्या नाम दिया था उसको? श्वेत वस्त्र सेना। जब देश की आजादी थी तो सेवा दल ने उस वक्त में भी एक अहम भूमिका अदा की थी। और आज अभी मैं यहां पर बैठकर बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि पिछले कई सालों, कई दशकों तक सेवा दल सड़क पर नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाई दी? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सरकार थी, कांग्रेस पार्टी इस देश को चला रही थी और कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है, संविधान के रास्ते पे सरकार को चला रही थी, देश को चला रही थी। लेकिन उस वक्त में तो सेवा दल संगठन को मजबूत करने का काम कर रही थी। आज जब देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और देश में तानाशाह की सरकार इस देश में है, तो सेवा दल के लोग आज सड़कों पर नजर आते हैं। तो देश की आजादी में सेवा दल का योगदान रहा और आज मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस संविधान को बचाने के लिए भी सेवा दल सड़कों पर उतरेगा। आप लोगों से बहुत उम्मीद है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, इस देश को भी उम्मीद है, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं। कांग्रेस पार्टी का एक अग्रिम संगठन है जो देश के अंदर व्यवस्था को भी मान सम्मान देते हैं, एक दूसरे को इज्जत और आदर देते हैं। हमारी जो यहां पर महिला है मातृशक्ति, अभी धूप में बैठी थी तो मंच से घोषणा हुई कि अब मंच के ऊपर महिलाएं आके बैठेंगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस संगठन के अंदर, जिस परिवार में और जिस समाज में और जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, उनका सम्मान होता है, वो परिवार, वो संगठन, वो समाज और वो देश तरक्की करता है। आरएसएस के संगठन में महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। वो लोग तो जब हिंदू कोर्ट बिल की बात हो रही थी, संविधान के अंदर महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बाबा साहब प्रस्ताव रख रहे थे, तो उसका विरोध उस वक्त में भी आरएसएस के लोग कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है? कांग्रेस पार्टी ने अभी
जो रायपुर के अंदर अधिवेशन हुआ, वहां पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने की बात की। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का, कि आपकी सोच जो बहुजन हमारा समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो 85% है इस देश के अंदर, जो इस देश का मूल निवासी है, जो बहुसंख्यक है, उसको आप मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। और इस देश में अगर बहुजन इकट्ठा हो जाएगा तो जो मनुवाद है, जो मनुवादी ताकतें हैं इस देश में, जो सरकार में है, मैं समझता हूं उनके आगे टिक नहीं पाएंगे। तो आज जरूरत किस बात की है, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जिस आइडियोलॉजी को, जिस बहुजन आइडियोलॉजी को कांग्रेस पार्टी ताकत देना चाहती है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाओं को अपने अपने संगठनों में मुख्य स्थान दें, उनको मान सम्मान दें, उनको जिम्मेदारी दें, क्योंकि देश का भविष्य बहुजन के हाथ में है। बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन आज जो आप लोगों को सुना, जिस तरीके से जो जज्बात आप लोगों ने पेश किए, मैं सभी लोगों को, जितने भी वक्ता थे, सब लोगों को दिल की गहराई से आपको बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भविष्य में इसी तरीके से एकजुट होकर इन मनोवादी ताकतों को कमजोर ही नहीं करना, इस देश से खत्म भी करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, जय हिंद जय संविधान। मेरे साथ में एक बार सब लोग हाथ उठा के नारा लगाएंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे, जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय संविधान।